नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने सिलाई में 31 फंदे डाल दिए हैं, 31 स्टिचेस। तो हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड में चले आएंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, शेष फंदों को सीधा बुनते हुए हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से बनना शुरू होगा। तो सभी फंदों को सीधा बुनते हुए मैं रॉन्ग साइड में आ गई हूँ, और अब ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहले फंदे को या तो आप उल्टा बुन लें या फिर स्लिप कर लें, फिर शेष 5 फंदों को, पहले फंदे को उल्टा बुन लें या स्लिप कर लें, फिर 5 फंदे को ऐसे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लें। एक बार ऊन लपेटा, एक बार और ऊन लपेटा और उल्टा बुन लिया, 2, 3, 4, 5। तो 5 फंदों को हमने सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लिया। अब इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा उल्टा, फिर 5 फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। तीन, चार, पांच, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 5 फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, फिर एक फंदा उल्टा। और लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब हम सामने की तरफ हैं और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर 5 फंदों को खोलेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 फंदों को बाएं सिलाई में कर लेंगे और बैक लूप से 5 फंदे बनाएंगे, 1, उन अपनी ओर किया, 2, 3, उन अपनी ओर किया, 4 और ये 5। तो 5 फंदों से हमने 5 सीधे फंदे बना लिए। अब इसे हम गिरा देंगे, फिर अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट 5 फंदा हम खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे और बैक लूप से हम 5 सीधे फंदे बना लेंगे, 1, ऊन अपनी ओर, 2, 3, उन अपनी ओर, 4, 5। तो 5 से हमने 5 फंदे बना लिए। अगला फंदा सीधा, 5 लपेटे हुए फंदे खोलेंगे, 5 को बाएं सिलाई में लेंगे और बैक लूप से हम 5 सीधे फंदे बनाएंगे, 1, उन अपनी ओर, 2, 3, उन अपनी ओर, 4, 5।
तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। एक फंदा सीधा, 5 लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे, बैक लूप से 5 सीधे फंदे, 5ों फंदों में 5 सीधे फंदे बना लेंगे। बैक लूप से 5ों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से 5 सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा सीधा, फिर लपेटे हुए 5 फंदे खोलेंगे, 5ों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से 5 सीधा फंदा बना लेंगे। लास्ट फंदा सीधा। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। पहला फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 1 2। और देखिए, 5 लपेटे फंदों में से हमने 2 फंदे को लपेटते हुए उल्टा बुन लिया। अब ये जो है वो बीच का फंदा है, यानी तीसरा फंदा है, तो इसे हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे। अब फिर 5 फंदे हम ऊन सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, ये वाला फंदा जो है, जो हमने सीधा बुना था, वो इस डिजाइन का तीसरा फंदा होना चाहिए। तो ये तीसरा फंदा, 2 फंदा इस डिजाइन से और 2 फंदा दूसरी वाले डिजाइन से। इस तरह इन 5 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। और ये बीच वाला फंदा, यानी तीसरा फंदा, इसे हम उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट 5 फंदे हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 1 फंदा उल्टा। वो एक फंदा जो है वो डिजाइन का बीच वाला फंदा, यानी तीसरा फंदा है। देखिए, इन 5 फंदों में हमें फिर सिलाई 2 बार इन 5 फंदों में हमें फिर 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। देखिए, तीसरा फंदा जो है वो जो हमने सीधा फंदा बुना था वो वाला फंदा है। 5 फंदों को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। एक फंदा उल्टा। अब लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और सामने से, तो हम 1 2 और 3 फंदों को खोलेंगे, बाई सिलाई में लेंगे और रॉन्ग साइड से 3 से 3 फंदे बना लेंगे सीधा बुनते हुए। तो हमने 3 से 3 फंदे बनाए, इसे गिरा देंगे। अब देखिए, बीच वाला फंदा, ये इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब फिर अगले 5 फंदे हम खोलेंगे, 5 लपेटे हुए फंदे को हमने खोल लिया, 5ों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से 5 से 5 सीधे फंदे बना लेंगे, 1 3 उन अपनी ओर किया 4 और इसी में बैक लूप से एक और सीधा, तो 5 फंदा। अब ये देखिए, अगला फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। देखिए, इस तरह 2 डिजाइन के बीच में अगला डिजाइन देखिए यहाँ ऊपर आएगा, क्योंकि हमने देखिए ये बीच वाले फंदे को हमने
तीसरा फंदा यहाँ पे बना लिया है। तो दोनों डिजाइन के बीच में ये अब अगले पांच फंदे हम खोलेंगे, 1 2 3 4 5, और पांचों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से हम पांच से पांच फंदे बना लेंगे। अपनी ओर किया है 4 और बैक लूप से एक और सीधा फंदा, तो 5 से 5 फंदा हो गया। गिरा देंगे अगला फंदा सीधा सीधा। लास्ट में देखिए 3 फंदे हैं, 2 लपेटे हुए फंदे हैं और एक ये, इन तीनों को लेंगे। लास्ट वाला फंदा हम लपेट के नहीं बनाएंगे क्योंकि डिज़ाइन बहुत बड़ा हो जाएगा तो सिलाई करने में परेशानी होगी। तो लास्ट के 3 फंदे हम लेंगे और 3 से 3 फंदे बना लेंगे। तो देखिए 4 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। अब फिर यहाँ से हम पांचवें लाइन से फिर हम अपना पहला लाइन स्टार्ट करेंगे तो डिज़ाइन ऊपर ऊपर बनना शुरू हो जाए और ये इस तरह बन के तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है। 4 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है। तो डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।